inside my own world of kids screaming in the cradles, profanities. Some days I feel skinnier than I am. आज हमारी फॉर्च्यूनर रेडी हो रही है. दैट्स द लाइक आज डिलीवरी ये हुई है. सो वेरी फर्स्ट डे वी आर इंस्टॉलिंग द कम्प्लीट ऑडियो. सो फॉर्च्यूनर में सेम सेटअप पहले भी हो चुका है. टू पेयर्स ऑफ C2 कॉम्पोनेंट्स विद JL ऑडियो एम्पलीफायर अलॉन्ग विद दैट दी वाइब्रो फिल्टर डैम्पिंग. वी ऑल्सो बॉट द सबवूफर, द JL ऑडियो सबवूफर. एंड अभी होगा डिसाइड आफ्टर लिसनिंग टू द कॉम्पोनेंट्स, डिसाइड करेंगे कि हमें बूफर की ज़रूरत है या नहीं है. सो आप देख सकते हैं इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है. अंदर की बात करें सो हमने अभी प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया. वी हैव अनइंस्टॉल्ड द डोर पार्ट्स एंड आप रिजल्ट देख सकते हैं कि कैसे डोर क्वालिटी है, कैसे ये प्लास्टिक की देते हैं कंपनी स्टॉक एंड अलॉन्ग विद दैट द क्वालिटी ऑफ द स्पीकर्स, कैसे ये स्पीकर्स हैं. अब बात करें अगर अंदर की, सो वी आर क्विकली रिमूविंग दी सीट्स. जैसे ही सीट्स रिमूव होंगी, क्योंकि अगर नीट एंड क्लीनिनेस अगर एम्पलीफायर की इंस्टॉलेशन चाहिए होती है तो हमें सीट्स हटानी पड़ती है. सो वी आर रिमूविंग दी को पैसेंजर सीट. हम जैसे ही हटाएंगे आपको मैं दिखाता रहूँगा. सो फॉर नाउ वी आर इंस्टॉलिंग द टू पेयर्स ऑफ C2 एंड उसके साथ JD 400.4 लगा रहे हैं. 100 RMS पर चैनल हमारे एम्पलीफायर है. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द C2 दैट इज 60 RMS. सो बहुत अच्छा मैचअप है, बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड सेटअप है. सो वी आर जस्ट इंस्टॉलिंग इन द न्यू. सो गाइज अगर एम्पलीफिकेशन की बात करें, सो हमारी रेयर जो को पैसेंजर सीट है हट चुकी है. वी आर इंस्टॉलिंग द टॉप नॉच JL ऑडियो एम्पलीफायर दैट इज द JD 400.4. हमारा जो एम्पलीफायर है इट इज़ लाइक प्योर SQ एम्प है ये. इट इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी अ SPL एम्प. सो इसके साथ JL का C2 जो है बहुत अच्छा जेलअप होता है. सो वी आर एडिंग दी वायर, द स्पीकर वायरिंग टू ईच एंड एवरी डोर. हर डोर से हम स्पीकर वायर निकालते हैं ताकि एक ऑप्शन ये होता है कि आप स्पीकर वायरिंग डायरेक्ट आप हेड यूनिट पे ले जाएं, तो उसमें बहुत ज़्यादा हमिंग के इश्यूज़ आते हैं. बट अगर आप हर डोर पार्ट से वायरिंग निकालेंगे, अगर हर डोर से स्पीकर वायर एक एम्पलीफायर से फोर रूट्स बनाएंगे हम फॉर एवरी डोर्स, तो देर आर वेरी मिनिमम चार्जेस ऑफ दी हमिंग. बट अगर हम एक ऑल्टरनेट ऑप्शन ये होता है दैट विल गोना सेव योर टाइम, जिससे आप एम्पलीफायर से डायरेक्ट हेड यूनिट को आप स्पीकर आउटपुट दे रहे हैं, उसमें ये होता है कि देर आर चांसेस फॉर हमिंग. सो फॉर एलिमिनेटिंग दैट वी आर गिविंग मोर टाइम, वी आर इन्वेस्टिंग आर मोर एनर्जी ताकि हमिंग एलिमिनेट हो जाए. सो अभी राइट नाउ वी आर इंस्टॉलिंग दी JL ऑडियो एम्प एंड टू पेयर्स ऑफ C2. सो डोर साइज देख सकते हैं. अप्रॉक्सीमेटली फॉर्च्यूनर ऐसी गाड़ी है जो डोर पार्ट सबसे बड़े होते हैं. इस पर हमारी 12 sheets गोल्ड डैम्पिंग लगेगी. मेरी पुरानी फॉर्च्यूनर पे आपने बहुत अच्छा मेरे को प्यार दिया है, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 55 फॉर्च्यूनर रेडी कर चुका हूँ. सी द सेम सेटअप JL ऑडियो C2 विद JL ऑडियो एम्प. वायरिंग की बात करें, वी आर यूजिंग द स्कॉशे वायरिंग किट अगेन दैट इज़ बाय JL ऑडियो. सो वायरिंग भी हम JL की कर रहे हैं. सब पूरा जो प्रोजेक्ट है JL ऑडियो का तैयार हो रहा है. सो एम्पलीफायर वायरिंग हमारी निकाल ली गई है. आगे से हमने जो पैसेज का पार करके हमारी वायरिंग निकल गई है. सो दिस इज़ द पावर कॉर्ड्स दैट इज़ बाय द स्कॉशे. दिस इज़ इफ़ यू सी इट्स बाय स्कॉशे कॉपर OFC. इट्स 100% कम्प्लीट. इफ़ यू सी ऑक्सीजन फ्री कॉपर. दिस इज़ बाई JL ऑडियो. सो ये हमारी पावर कॉर्ड्स हैं. दिस इज़ आर न्यूट्रल कॉर्ड अगेन. दिस इज़ बाई JL ऑडियो. एंड बात करें दिस RC केबल, सो वी आर यूजिंग दिस कॉशे RCs. एंड ब्लॉपंक की भी OFC RCs यूज होंगे बिकॉज इट्स अ 4-channel. वी नीड 1 extra RCA केबल दैट इज़ बीन यूज बाय द JL ऑडियो. स्कॉशे अभी हाईलो कन्वर्टर डिसाइडेड नहीं है. सो अभी आइदर वी एड अ स्कॉशे और अ डेफ बाउंड 6-channel हाईलो कन्वर्टर. विल क्विकली अभी क्योंकि कस्टमर कन्फ्यूज है वेदर टू एड अ सबवूफर और नॉट. सो अगर सबवूफर ऐड करना पड़ेगा तो 6-channel हाईलो चाहिए होगा. अगर प्लानिंग रहेगी कि दो अगर 4 channels के साथ ही दो पेयर कॉम्पोनेंट डिटेन करने हैं देन वी नीड अ 4-channel. सो वील डिसाइड वंस
we install the entire setup and later on we'll take a decision that way. So guys, customer ki bahut queries aati hai ki aap audio hi karte hain aur bhi kuch karte hain. So guys, understand this point. Agar hum kisi is location pe audio kar rahe hain, if the customer is looking for any car accessories, yes, we fulfill their requirement. Jaise aaj Fortuner ready kar rahe hain, isme company ke stock jo horns aate hain bahut hi pathetic aate hain, but now we have installed the top of the line Hella हॉर्न्स. इसमें हमने हॉर्न लगाए हैं अप्रॉक्सीमेटली कॉस्टिंग 1800 की कॉस्टिंग पड़ी है. अलॉन्ग विद दैट अगर ऑडियो हम मैट्स भी GFX के द इंटायर मैट्स वी प्रोवाइड कोजो मैट्स. सो इसमें मैट्स भी लग रहे हैं. वी आर ऑल्सो एडिंग दी लाइट्स. इसमें जो रूफ लाइट्स होती हैं ऑल आर ऑलरेडी वाइट जो आगे की रोज देखे. लास्ट रो जो है डिक्की में इसमें येल्लो आती है. सो वी आर क्विकली चेंजिंग टू द फिलिप्स 12 वॉट. बहुत अच्छा रिजल्ट है. ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी है. सो एक बार ये इंस्टॉल हो जाएगा, मैं आपको आगे का रिजल्ट दिखाऊंगा. बट अभी ये प्रोडक्ट मैं दिखाना चाहता था बिकॉज फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम वी आर इंस्टॉलिंग दिस. नो डाउट ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है कंपेयरिंग टू द ऑल अदर, बट इफ यू आर लुकिंग फॉर अ प्रीमियम लाइट एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर अ ड्यूरेबल प्रोडक्ट, देन आई थिंक फिलिप्स के से बेटर कुछ भी नहीं. सो गाइज, अब ऑल द अलाइनमेंट इज सेम. अगर बात करें लास्ट रो की भी, इंस्टेड ऑफ येलो इसके भी वाइट हो चुके हैं. सो ऑल थ्री आर अलाइंड इन सेम कलर, सेम ब्राइटनेस, एवरीथिंग इज सेम. सो इट्स बेटर लाइक इफ़ यू रिलाई टू अ ब्रांड लाइक फिलिप्स. जो सबसे बेस्ट पार्ट है अबाउट द ड्यूरेबिलिटी, यू ऑल्सो गेट अ प्रोडक्ट फॉर लाइक 100-120, बट उसकी रिलायबिलिटी नहीं होती. बट दिस इज समवेयर अराउंड फॉर 800-900 रुपीज. सो येस, इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट बाई फिलिप्स. लाइक वी आर इंस्टॉलिंग इट फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम एंड इसमें कुछ अटैचमेंट्स भी आती है. सो हर गाड़ी में, हर ऑप्शन में ये इंस्टॉल हो जाती है. के सामने रिजल्ट डैम्पिंग का, वी हैव इंस्टॉल्ड द वाइब्रो फिल्टर 2.3 डैम्पिंग शीट्स. फिटिंग देख सकते हैं, फिट एंड फिनिश कैसे ये एच टू एच लगी है. अब रिजल्ट आपके सामने. रियर डोर की बात करें, सो गाइस रियर डोर की फिट एंड फिनिश देख सकते हैं. इट्स एवरी एज इज कवर्ड. अप्रॉक्सीमेटली गाइस 3 शीट्स लगी हैं पर डोर. 12 शीट्स आर बीन यूटिलाइज्ड फॉर ऑल दी 4 डोर्स. लास्ट डोर डैम्प हो रहा है. सो अगर इंस्टॉलेशन की बात करें तो आपके सामने क्रॉस ओवर, हमने JL ऑडियो का क्रॉस ओवर लगाया है. सी द वायरिंग, एक एक वायरिंग पे हीट स्टिंग लगी हुई है इस पर, ताकि इन फ्यूचर कोई भी कार्बन का इशू ना आए, कोई भी रेस्टिंग का इशू ना आए. सेम विद ईच एंड एवरी वायर, एक एक थिम्बल्स हमने एक एक अटैच करे, ताकि क्योंकि इट्स अ प्रीमियम इंस्टॉलेशन, ये कॉम्पोनेंट्स भी बहुत अच्छे लग रहे हैं. इन फ्यूचर में दोबारा डोर्स पैड ना खोलने पड़े, इस वजह से हमने एक एक थिम्बल लगाए हैं, ताकि कोई फ्यूचर में इसमें कोई इशू ना है. बिकॉज यूजली व्हाट हैपन इज कि नट्स हैं, इससे वायर लूज होके कोई वायर निकल जाती है. बट अगर आप एक एक वायर पे अगर आप थिम्बल लगा के कर रहे हैं तो इस ऐसे इश्यूज फ्यूचर्स में नहीं आते. रेस्ट अभी रेन गार्ड लगाया, वी हैवंट इंस्टॉल दी वॉफल बिकॉज इट्स वॉज नॉट रिक्वायर्ड. सो हमने लगाया नहीं. सो वी आर इंस्टॉलिंग द रेन गार्ड फॉर सेफ गार्डिंग दी कॉम्पोनेंट्स. अभी इंस्टॉल हो जाएगा C2 एंड वंस द इंटायर इंस्टॉलेशन बीन कैरिड आउट, मैं आपको आगे का रिजल्ट दिखाऊंगा. बट अगर आप फिनिशिंग की बात करें, वायर्स हमने पूरी अंडर से लिया है ताकि एक भी वायर विजिबल ना हो, पूरी अंदर से गई है ताकि इफ इन फ्यूचर डोर पैड भी खोले तो हमें ये ना कि कोई हमने एक्स्ट्रा वायरिंग करी हुई गाड़ी में. अगर बात करें एम्पलीफायर की, सो वी हैव इंस्टॉल्ड द JL ऑडियो JD400.4, वन ऑफ द टॉप नॉच एम्पलीफायर बाय JL ऑडियो. सो यू कैन सी द फिट एंड फिनिश, कैसे आप हमारी स्पीकर वायरिंग हमारी लगी है, कैसे हमारी पावर केबल न्यूट्रल एंड इग्निशन की कॉर्ड्स लगी है. सेम विद द RC केबल्स, यू कैन सी द नीटनेस, द क्लीननेस, हाउ द वर्क बीइंग डन. एंड आप देख सकते हैं कहीं से भी वायर बाहर नहीं है. नो वन लाइक कैन से कि आफ्टर मार्केट कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा इंस्टॉल हुई है. वंस द सीट विल बी इंस्टॉल, कुछ भी कोई नो वन ही कैन आइडेंटिफाई दैट वेदर एम्पलीफायर और एनीथिंग एक्स्ट्रा इज एडेड ओवर द कार. Oh, 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 oh
inside my own world of make kids screaming in the cradle of profanities. Some days I feel skinnier than I hear the kids. सो गाइस सब कुछ इंस्टॉल हो चुका है, आपने देख चुका कैसा रिस्पांस है। हमने जीएफएक्स के इसमें मैट्स भी डाले हैं, एवरी स्मॉल थिंग्स हैव बीन इंस्टॉल्ड, हॉर्न लगाया है हमने, लाइट्स लगाई। सो गाइस बजट के बारे में बताना चाहूंगा, अप्रोक्सीमेटली ये जो पूरा सेटअप है लास्ट 80,000 का था जब हमने एक जेल ऑडियो का एम्पलीफायर दो पेयर कॉम्पोनेंट लगाए थे। दिस इज बींग डन इन 1,10,000, थोड़ा हाई एंड है, 1,00,000 क्रॉस कर गया। आई नो आप लोग कहेंगे कि 1,00,000 का इतना वर्थ है, येस डेफिनेटली। साउंड इज सुपर प्रीमियम, सुपर क्लियर, कोई आवाज डिस्टॉर्शन नहीं है, सो दैट्स द बेस्ट पार्ट। बाकी 1,10,000 आई थिंक इट्स वैल्यू फॉर मनी। इनिशियली मैं भी सोच रहा था इतना ऑडियो पे पैसा लगाना वर्थ इट है नहीं है, बट आफ्टर इंस्टॉलिंग दिस मच दिस सेटअप एंड दिस इज बीइंग डन इन मल्टीपल फॉर्च्यूनर, सो आज कंक्लूड कर रहा हूँ कि इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट सेटअप। कि आप येस मैं बायफिकेशन दे सकता हूँ कि कैसे कैसे हमने इस पे डीडी का मोनो लगाया, सबवूफर लगाया, एक एक चीज मैं आपको दिखाऊंगा, वायरिंग दिखाऊंगा, आपने देखा होगा वायरिंग। और गाइस अगर अगेन इफ यू स्टिल हैव any question regarding this, you can definitely contact me. I'll definitely help you in this. So, इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए, guys, do like my video, do share my video, and do subscribe to my channel. Automobile Guruji, signing off. Bye bye.